अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर देश के कई शहरों में हिंदूवादी संगठनों ने शौर्य दिवस मनाया, लेकिन पटना में बीजेपी की उस वक्त फजीहत हो गई जब हिंदू पुत्र नाम के संगठन ने पार्टी दफ्तर पर ही हमला बोल दिया। हाथों में भगवा झंडा और बैनर पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। फिलहाल तस्वीरें आपको हम पटना में बीजेपी दफ्तर की दिखला रहे हैं, जहां पर हिंदू पुत्र संगठन नाम के एक हिंदू संगठन ने यहां बीजेपी कार्यालय पर यहां पहुंच चुके हैं। गेट को पूरी तरीके से जो है वो यहां बंद कर दिया गया है, ताकि ये जो आक्रोशित लोग हैं हिंदू पुत्र संगठन के वो अंदर न घुसें। पुलिस के साथ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर झड़प हो रही है। ये लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ भी जमकर झड़प की। किरकिरी से बचने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता 5 प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा कर दफ्तर के अंदर ले गए और पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात करवाई, लेकिन तब तक बीजेपी पर वादा खिलाफी और धोखा देने के आरोप का शोर खूब गूंजा। रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।